जनपद सीतापुर के थाना रामपुर कला क्षेत्र में मवेशियों के मिले अवशेष। ग्राम भानपुर थाना रामपुर कला जिला सीतापुर के ग्राम वासियों के द्वारा चंद्र प्रकाश निगम को उपरोक्त सूचना मिली। सूचना मिलते ही चंद्र प्रकाश निगम मय अपने साथियों सहित मौके पर पहुंचकर थाना अध्यक्ष रामपुर कला अवधेश कुमार यादव, SI समय सिंह, हल्का इंचार्ज कृष्ण चंद्र तिवारी, चौकी इंचार्ज सरैया स्टेशन धर्मेंद्र चौधरी, मय हमराइयों सहित मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से सामूहिक प्रार्थना पत्र लेकर जांच शुरू कर दी। हल्का इंचार्ज से लेकर थानाध्यक्ष तक बहुत जबरदस्त तरीके से अवशेष खोज कर पशु चिकित्सक को दिए। पशु चिकित्सक ने अवशेषों का सैंपल लेकर जांच करने हेतु अपने पास सुरक्षित रख लिया। इंडिया 24/7 के लिए जनपद सीतापुर से अनुज कुमार जैन की रिपोर्ट। आज जो गोगोशी का प्रकरण था जी, इसमें कुछ कहना चाहेंगे? इसमें कहना ही चाहेंगे हम जी। हमको जनता द्वारा हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग अपने पूरी टीम के साथ वहाँ पे पहुँचे। हमने प्रशासन को बात बताई, सूचना दी और प्रशासन आके हमारी मदद की और बहुत बड़ी मदद की, और जो हम कार्रवाई चाहते थे वो पूरी उम्मीद के साथ वही कार्रवाई की। अच्छा, इसके पहले भी घटना ऐसी घट चुकी है जिसमें आप सब लोग मौजूद थे, उसमें पुलिस के द्वारा कौन सी कार्रवाई की गई थी, कौन सा थानाध्यक्ष था? उसका नाम तो उसमें को याद नहीं आ रहा जी, और जो है कितनी उम्मीद के साथ जो है इन्होंने जो है जो कार्रवाई की है उस हिसाब से वो कार्रवाई उन्होंने नहीं की है। मतलब जो पहले सर ये बताएं, अभी जो आप जो गायों के अवशेष मिले, सूचना आपको मिली तो आप पहुँचे, तो वहाँ पे क्या हुआ कुछ बताएंगे, प्रकाश डालेंगे? थाना रामपुर कला जी के क्षेत्र का प्रकरण था जी। किस गांव का था सर? भानपुर के उत्तरी एक जंगल है जी, लगभग 8-10 बीघे का जंगल है जी, और खेत वगैरह है जी। तो खेतों के बीच में जंगल है जिसमें आसपास गन्ने की खेती होती है जी, और जंगल भी काफ़ी घना है, तो वहाँ पे ये काम करने के लिए उन लोगों के लिए सुटेबल जगह थी, गौकृषि का संबंधित जो मामला था जी। और उस प्रकरण में सूचना मिलने के बाद हम लोग जो है वहाँ पे पहुँचे जी, और संबंधित थाने से दरोगा जी को हम लोगों ने सूचना दी है जी। दरोगा जी ने पहुँच के उचित कार्रवाई की और अवशेष को इकट्ठा किया, मेडिकल टीम आई जी, डॉक्टर साहब आए, वहाँ पे उसका सैंपल वगैरह लिया गया है, मुकदमा दर्ज हो गया है जी। दरोगा जी ने जो है वो विवेचना करके उचित कार्रवाई करने के आश्वासन दिया है। सर हमें ये जानकारी मिल रही थी सूत्रों के द्वारा कि कुछ लोग पकड़े भी गए हैं इस प्रकरण में? इसके पहले भी एक मामला आया था लौना गाँव में जी, तो लौना में जो है वो 8 लोगों के ऊपर पुलिस को शक हुआ था, जिसमें क्षेत्र के कुछ लोगों ने जी कुछ लोगों का नाम बताया था कि ये लोग दिन में आते हैं, गायों को जो है वो जंगलों में जो है पेड़ में बांध देते हैं जी, रात को आते हैं उसी गाय को काटते हैं जी। तो 8 लोग नामजद थे जिसमें जो है 6 लोग पकड़े जा चुके थे, 2 लोग अभी भी जो है फरार हैं। पुलिस को उन दोनों की सूचना है जी, और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि 2 अपराधी बचे हैं उनको भी आगे गिरफ्तार करेगी पुलिस, जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। अच्छा, आज की जो कार्यशैली रही उससे उस पर क्या प्रकाश डालेंगे? पुलिस के द्वारा जो कार्यशैली की गई संतोषजनक कार्रवाई थी पुलिस की। तो ये थानाध्यक्ष अवधेश कुमार यादव जी से जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? थानाध्यक्ष अवधेश प्रताप यादव जी ने जो है जी बहुत ही संतोषजनक कार्रवाई की जी, और त्वरित कार्रवाई की, बहुत ही फास्ट जो है कार्रवाई की जी, और डॉक्टर साहब को बुला के सैंपल कलेक्ट किए जी, और अपराधी इसके पहले भी उन्होंने जो इस मैटर से संबंधित कार्रवाई की है बहुत ही सराहनीय कार्य जी, अपराधियों को गिरफ्तार किए।